हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया सब। देखिए, हमने कल क्या करा था, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने खत्म कर लिया था। हमने टोटल जितने भी थ्योरी कंटेंट है उसका हमने कर लिया था। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1, एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.1। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए मैंने लिख रखा है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें सॉल्व करना है। कल हमने फ्रैक्शंस पढ़े थे, तो फ्रैक्शंस को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सबसे पहला क्वेश्चन वही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 - 3/5। तो हमने क्या करना है, 2 में से 3/5 को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 2/1 - 3/5। तो मैंने फिर कल आपको, यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन फ्रॉम द होल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू द फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करेंगे, इक्विवेलेंट टू, इसके डिनोमिनेटर्स इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 - 3/5। अब सिमिलरली व्हेन वी गेट द डिनोमिनेटर्स सेम, वी सिंपली सब्ट्रैक्ट देम। ठीक है ना, तो 7/5 इज द करेक्ट आंसर। 7/5 इज द करेक्ट आंसर। हियर वी हैव टू एड द 4/1 upon 7/8। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय 8 सो दैट द डिनोमिनेटर गेट इक्विवेलेंट। डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट करने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर वाले में क्या जाएगा, 32, 4 8 32, 1 8 8, +7/8। 32 + 7 इक्वल टू 39 एंड द आंसर इज 39/8 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, 7/5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट वन, 39/8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ सेकेंड वन। थर्ड, 3/5 + 2/7। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कल बताया था। तो एलसीएम आएगा 35, 5/5, 7 का एलसीएम देखिए क्या आएगा, 5 35। तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 35 कन्वर्ट हो जाए 7। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, प्लस 2 में ऐसा क्या, 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 5। तो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर 3 7 21, 21/35 + 10/35 एंड आंसर इज 31/35 इज योर करेक्ट आंसर। 31/35 इज योर करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 9/11 - 4/15, तो इसको आप खुद ट्राई करेंगे। इन केस आपको नहीं आता है, इफ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन इन यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क है, एक कुछ होमवर्क भी करना है आपको। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमने ये करना है, तो इसमें भी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 10, 5 और 2 का एलसीएम, 10. ठीक है ना, तो इट इज ऑलरेडी 10, देन वी हैव नॉट टू मल्टीप्लाई विद एनी नंबर। 5 वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 2 सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 10। तो 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10। हेयर इट इज 2, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 5 सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू 10। सिमिलरली वी हैव टू मल्टीप्लाई फॉर द अपर वन, 3 5 जा 15 एंड 2 5 जा 10। देन वी गॉट द सिमिलर डिनोमिनेटर, नाउ वी कैन सिंपली एड। ठीक है, तो 7 और 4 11 एंड 11 and 15 is 26। बाय 10 इज द करेक्ट आंसर, बट वी हैव टू राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने कल बताया था, तो 2 से क्या आ जाएगा, 13 और 5,
13/5 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ वी आर डूइंग 2 whole 2/3 सिक्स्थ वन. फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है हमारा 2 whole 2/3 प्लस 3 whole 1/3. तो कल मैंने आपको सिमिलरली बताया था, जिन बच्चों ने कल नहीं देखा है प्लीज वीडियो देखिए. देखिए हमें मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना. तो हम क्या करते हैं, सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस नंबर एंड एड द न्यूमिनेटर. ठीक है, तो हमने 3 2 6 प्लस 2 और हमें फ्रैक्शन में चाहिए, तो नीचे जो लिखा है वो एज इट इज लिखा जाता है. ठीक है, तो दोबारा देख लेंगे, जो नीचे है हमने दोबारा लिख दिया ऐसे 3 और इनको मल्टीप्लाई कर दिया 3 2 6 प्लस जो यहाँ पर है ऐड कर दे, तो इट इज इक्वल टू 8/3. तो नाउ यू गॉट हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स फ्रैक्शन. व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स फ्रैक्शन वी हैव टू सिंपली डिवाइड इट. जब हम सिंपली डिवाइड करेंगे, देखिए 8 को हमने 3 से डिवाइड करा, तो 3 2 6 एंड 2 इज रिमाइंडर. ठीक, तो यहां पर जो रिमाइंडर आया, द रिमाइंडर विच वी आर गेटिंग, इसको हम न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर पहले से था उसको डिनोमिनेटर लिख दिया और यहाँ पर जो क्वेश्चन है या फिर आंसर है उसको हम होल में लिखते हैं. ठीक है, तो नाउ यू गॉट हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू द प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स फ्रैक्शन, है ना, द बोथ वाइस वर्सा यू आर गेटिंग. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन. देखिए मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूँ, आप यहाँ आराम से करिए क्वेश्चन. इसमें देखिए 2 whole 2/3 प्लस 3 whole 1/3, तो 2 whole 2/3 को हमने कन्वर्ट करा, 8/3 आया. अभी 3 whole 3 into 2 प्लस 1 divided by 3 7/3 हो गई, तो 7/3. नाउ हियर द डिनोमिनेटर आर सेम, तो वी कैन सिंपली एड 15/3 इज द करेक्ट आंसर. बट वी हैव टू राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, 3 1 3 3 5 15 एंड 5/1 = 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, नाउ वी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इट इज रिटन, आई एम रबिंग दिस हियर, आई एम रबिंग the last part of the question was 8 whole 1/2 minus of 3 whole 5/8. ठीक है, first of all what we have to do, we have to convert this into the proper or improper fraction. 8 2 16 plus 1 17/2 minus 3 8 24 प्लस 5 29/8. नाउ हियर द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, वट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द एलसीएम. हाउ टू टेक एलसीएम, 2 and 8. तो वी गॉट द एलसीएम 2 2 4 2 4 2 8 इज द करेक्ट एलसीएम. What? How can we make here 8? For making the 8 here, we have to multiply with the 4. 17 into 4 upon 2 into 4 minus 29/8, because it is already 8 here. 17 4 ja 68. ठीक है, टेबल्स को जरूर याद करिए, आप लोग टेबल्स नहीं याद कर रहे हैं. माइनस 29/8. नाउ वी गॉट द सेम डिनोमिनेटर, वी कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट. इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, बिकॉज
दिस नंबर इज नॉट गेटिंग फ्रॉम अ सिंगल नंबर, बोथ द नंबर्स आर नॉट गेटिंग फ्रॉम द सिंबल सिंगल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म. इसको और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आई एम गेटिंग असाइड, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स गाइज मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. इन द सेकेंड क्वेश्चन इट इज रिटन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. वी हैव टू अरेंज द दिस नंबर दिस फ्रैक्शन इन एन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसे अरेंज करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम सो दैट वी कैन कंपेयर. फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम वट विल यू हैव टू डू, वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 9, 3 and 21. ओके, तो एलसीएम ऑफ 9, 3, 21 इज 3. थ्री थ्री जे नाइन, नाइन सेवन जे 63. तो वी गॉट द एलसीएम 63. फॉर मेकिंग हेयर 63 वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 7. तो वी विल मल्टीप्लाई इन न्यूमिनेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर. हेयर वी विल हैव टू मल्टीप्लाई विथ 21. यू कैन इजिली कैलकुलेट फ्रॉम हेयर 21, 3 इज लेफ्ट, वी लेफ्ट विथ 7 into 3 विच इज इक्वल टू 21. तो 21 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई विद बोथ. आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लासेस. ठीक है, 8 हियर इट इज 21, 7, 3, 21, रिमेनिंग नंबर इज 3, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द 3, 21 into 3. नाउ वी गॉट 7 to 14, हियर इट इज 63, 21 to 42, हियर इट इज 63, 8, 3, 24 एंड हेयर इट इज 63. नाउ वी गॉट ऑल द डिनोमिनेटर्स इन द सिमिलर पोजिशन, या फिर वी गॉट ऑल द डिनोमिनेटर सिमिलर 63, 63, 63, सेम हो गए. वी कैन नाउ इजिली कंपेयर द न्यूमिनेटर्स. फर्स्ट वट वी हैव टू अरेंज, वी हैव टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो फर्स्ट वन इट इज हाइएस्ट, तो 42/63 is greater than 24/63 is greater than 14/63. Okay, now we have arranged, but we have to conclude the answer with the question only. Then we have to, what is 42/63 is 2/3. Then 2/3 is greater than 24/63 is 8/21. 21 in the simplest form. Okay, 2/9. This is your correct answer. Okay, now this was the second question of the exercise. You, I am getting aside. You can take the screenshot. Then we will move to the question number third. Guys, let's move to the question number third. Before moving to the question number third, it was the part second of the question number two. You have to do it yourself. I have already explained question number two, first part, how to arrange in the descending order. This also have to be arranged in descending order. This is your homework. You have to do it. Question number one, part number four. Question number two, part number second. I am noting down what I have given you in the homework. Okay, so you have to do. If you are not able to do, you can comment on the box. I will explain in the next video. Okay, let's move to the question number third. Question number third, we have come up with this box. Here it is written, is this box a magic box? What is magic box? Here it is written that the sum addition of all the numbers in the row as well in the column as well in the diagonal are same. This is known as the magic box. So here we will check
इफ वी आर गेटिंग एडिशन ऑफ ऑल द रोज एंड एडिशन ऑफ ऑल द कॉलम्स एंड ऑल द डायगोनल्स विद द सेम नंबर देन दिस विल बी अ मैजिक नंबर अदरवाइज इट विल बी नॉट अ मैजिक नंबर. लेट अस चेक इन फर्स्ट रो. सबसे पहले हम किस में करेंगे? फर्स्ट रो में. पहले हम रो में चलते हैं, फिर हम कॉलम में चलेंगे, फिर डायगोनल में. ठीक है, 4 by 11, 9 by 11, 2 by 11, वी आर गेटिंग इन दिस वे. 4 by 11, 9 by 11 एंड 2 by 11, हियर वी आर गेटिंग ऑल द नंबर्स, ऑल द फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर. देन वी सिंपली ऐड दिस, 9 + 4 = 13 + 2 = 15. फर्स्ट रो में हमें क्या मिल गया? 15 by 11 हमें आंसर मिल गया फर्स्ट रो में. सिमिलरली वी आर गेटिंग विद द सेकेंड रो, 5 + 3 = 8, 8 + 7 = 15 by 11. सेकेंड रो में हमें क्या मिल गया आंसर? 15 by 11. थर्ड रो में देखते हैं, 8 + 1 = 9, 9 + 6 = 15 by 11. Then in a row we have come with the same result. Let's move to the column. अब हम कॉलम को देखते हैं, 4 by 11, 3 by 11, 8 by 11. हेयर ऑल्सो वी आर गेटिंग नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर्स. देन वी कैन सिंपली ऐड फर्स्ट कॉलम में कितना है हमारा? 4 + 7 + 8, 15 by 11. सेकेंड वन, 9 + 4 = 14, + 1 15, 15 by 11. थर्ड में कितना आया? 2 + 7 = 9, 9 + 6 = 15 by 11. हियर वी ऑल्सो गेट द सेम रिजल्ट इन कॉलम. ठीक है, नाउ मूव टू द डायगोनल्स. ठीक है, फर्स्ट डायगोनल पे देखते हैं हम. फर्स्ट डायगोनल में हमारा ये दिस वन, इट इज फर्स्ट डायगोनल. ठीक है, फर्स्ट डायगोनल में देखते हैं, 4 by 11, 5 by 11, 6 by 11. हियर वी ऑल्सो गेटिंग द फ्रैक्शन विद द सेम same denominators, we can simply add first diagonal. First diagonal में हमारा कितना आया resultant? 4 by 11, 4 + 5 = 9, 9 + 6 = 15. Again we are getting 15 by 11. Okay, if this is not visible, I am writing with the black one. Second diagonal में कितना आया? 2 + 5 = 7, 7 + 8 = 15. Again we have come up with the same result in the diagonal. Here we come up with the same result in addition of rows, addition of column, as well as addition of diagonals. Then yes, it is a magic box. Here we have completely shown that it is a magic box. You can take, yes, it is a magic box. You can write here, yes, it is magic box. Now you got what is the magic box, in which the addition of rows, addition of column and addition of diagonals come up with the same result. So you can take the screenshot I am getting aside, then we will move to the question number 4th of the exercise. So guys, let's move to the question number 4. What is written in the question number 4? That a rectangular sheet of paper is 2 holes 1 by 2 cm long and 10 holes 2 by 3 cm wide. Find its perimeter. So here it is very simple question, but it is given in the fraction form, mixed fraction. Here you are taking the mixed fraction. So first of all, what we have to do, we have to convert this mixed fraction into the proper fraction or improper fraction. You have already know the formula of perimeter of a rectangle. The formula of perimeter of rectangle is 2 × L + D, perimeter of rectangle. Okay, you have already learned it in class 6. L + D, here L + D is the length and the breadth. So wide is the breadth and length is long. It is given 2 12 holes 1 by 2 + 10 holes 2 by 3. What we will do, we will convert the first of all
12 होल 1/2 इनटू द फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन टू प्रॉपर और इम्प्रॉपर बट वी आर गेटिंग 12 इंटू 2 प्लस 1 25 अपॉन 2 ठीक है। तो नीचे जो था वो लिख दिया 12 इंटू 2 24 और एक इसमें ऐड कर दिया 25। इधर भी 10 होल 2/3 30 प्लस 2 32/3 ओके। हियर 2 25/2 प्लस 32/3 बट हियर वी आर नॉट गेटिंग द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। नाउ व्हाट विल वी हैव टू टेक, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेम डिनोमिनेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक 2 और 3 एलसीएम। नाउ 2 एंड 3 एलसीएम वी आर गेटिंग 6 ओके, वी आर गेटिंग 6। फॉर मेकिंग हियर 6 वी हैव टू कन्वर्ट, आई एम राइटिंग हियर 25 इंटू 3, 2 को हमने छोड़ दिया बचा क्या 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे बोथ एंड हियर इट इज 3, देन फॉर मेकिंग इट विद 6 वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 2, 32 इंटू 2, नाउ वी विल गेट 25 इंटू 3 75 अपॉन 6, 64 अपॉन 6। नाउ हियर वी विल गेट that the denominator is same. Now we can simply add and multiply it with 2 okay, 2 into 75 plus 64 is how much, 9 and 139 by 6. Now here we are getting 139 by 6, then we can simply multiply, it is a multiplication of fraction with a whole number. Yesterday I have explained you 139 by 3 is the correct answer. Find the perimeter is the correct answer. ठीक है, centimeter. Now you can also convert it into the fraction, mixed fraction if you want. 139 divided by 3, 3 4s are 12. 1 carry 19, 6, 3 6 are 18, here 1 is remainder. So when we are converting into the mixed fraction, 3 is the denominator, we will simply write it. Now here we are getting 1 as a remainder, we are converting into the numerator and here 46 is written here. Then the correct answer, both are the correct answer, 139 by 3 and 46 1 by 3 centimeter, both are the correct answer. Now you got how to convert these into the mixed fraction, into the proper fraction. I am getting aside, you can take the screenshot, then we will move to the next question. Okay, aap log har question mein practice kariye convert karne ki, so that the screenshot, we will move to the next question then. So guys, let's move to the question number 5. What is written in the question number 5? Find the perimeter of this triangle ABE and the rectangle BCDE in this figure. Whose perimeter is the greatest? ठीक है, तो हमें perimeter का निकालना है triangle में and rectangle में and comparison करना है both का. तो first of all we will move to the triangle ABE. Triangle ABE. Wait a second. ट्राइंगल ए बी ई, हियर वी आर गेटिंग ए बी इज 5, द पैरिमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज ए बी, सम ऑफ ऑल द साइड्स, हियर साइड इज ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई, द साइड ऑफ ए बी इज 5/2, बी ई इज 2 होल 3/4 एंड AE इज 3 होल 3/5 ठीक है। तो फर्स्ट सो गाइस यू आर नाउ गेटिंग द इम्पोर्टेंस, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट दैट द कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू द प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द वाइस वर्सा इज इम्पोर्टेंट। ऑल ऑफ द dimensions you are getting is mostly in the mixed fraction, so you have to be a perfect in converting mixed fraction into the
proper fraction as well as into the improper fraction. First of all, we will convert 2 whole 3 by 4 into the proper fraction. Okay, 2 whole 3 by 4. 4 into the 2, 8 plus 3 is 11 by 4. We have convert and we have come up with that. I am writing here 5 by 2 plus 11 by 4. 3 whole 3 by 5. But how we will convert 3 into 5 is 15 plus 3, 18 and 18 by 5. Now we have come up with the result 5 by 2, 11 by 4 and 18 by 5. Again, here we are not getting with the same denominator. What we will do? We will take the LCM. Now for taking the LCM of 2, 4, 5, 2, 2. This is the procedure of getting the LCM. Now we have come up with the LCM 2 to the 4, 4, 5 is 20. 20 is the LCM. Now we will convert this into the makes it. We will add here. No. First of all, we will convert in this fraction into the fractions having the same denominator. For converting here we will getting 2 only. When we will exclude 2, we will come up with the 5 to the 10. So we have to multiply with the 10 in numerator as well as denominator. Now here we are getting with the 4. 2 to the 4, when we will exclude 4, we are getting with the 5. We have to multiply with 5 in numerator as well as denominator. It is very important that we are multiplying. When we are multiplying with a number, we have to multiply with the numerator as well as denominator. Here we are 5, when we exclude 5, here we are remaining with the number 4. Then we have to multiply with the 4 in both numerator as well as denominator. Now we are getting the answer 50 by 20, 55 by 20, 72 by 20. Here, now we have come up with the result. That the denominator of the fractions is same here. Now we simply add this number. 50 plus 55 is 105 plus 72 is how much? 177. 177 by 20. Now this number is not divisible by. Now we convert this into the mixed fraction. For converting this mixed fraction, what we will simply divide 177 by 20. Here we are getting 177, the nearest number of 20 into 6. Hello, abhi beech mein phone aaya. Now here we will convert this into the mixed fraction. For converting this into the mixed fraction, we simply divide 177 by 20. We have to convert 20 into the nearest fraction. Sorry, we have to take 20 to the nearest number of 177. Okay. So it is approximate 8 to the 60. 8 to the 60 and 0, 160, because after getting 160 we are getting with the result of 180, which is greater than the 177. 17, we have left with the 17 and 17 is the remainder. Now 20 will remain same, remainder will convert into the numerator and here we will get 8. This is the perimeter of the triangle. Now I am getting aside, you can take screenshot, then we will move to the perimeter of rectangle. Okay? Have you taken
स्क्रीनशॉट ओके देन वी विल मूव टू द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 8 17 by 20 इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. नाउ वी विल मूव टू द रेक्टेंगल पोर्शन. In the rectangle portion, rectangle is BCDE. B is BE plus ED या DE. इसी को हम ट्वाइस कर देंगे यही हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा का पेरीमीटर हो जाएगा. तो BE की वैल्यू हमें थी 2 whole 3 by 4 प्लस DE. DE की वैल्यू है 7 by 6. 2 whole 3 by 4 को अभी हमने रिसेंटली कन्वर्ट करा था मिक्स फ्रैक्शन से किसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो देखिए 11 by 4 प्लस 7 by 6 नाउ हियर अगेन वी आर नॉट गेटिंग विद द सेम नंबर सेम डिनोमिनेटर. वी हैव टू टेक एलसीएम. वी आर कमिंग that the LCM is 2 to the 4, 4 to the 12. ठीक है तो 12 आ गया हमारे पास LCM. Now we have to multiply this with the 3 here we are getting 6. When we are excluding 6 here we are getting with we are remaining with the number 2 when we have to multiply with 2. आप सिंपली ऐसे ऐड करके देख सकते हैं कि किससे आपको मल्टीप्लाई करना है. जो भी एलसीएम आए उसे 2 into 2 into 3. अब यहां पर 6 है तो 3 into 2 6 हो गया तो बचा क्या 2. तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहां पर 4 था हमने 4 2 2 4 ले लिया. रिमेनिंग क्या बचा 3. तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया. तो दिस इज द मेथड हाउ यू विल गेट दैट फ्रॉम विच नंबर यू विल गेट द सेम डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग इट 14 12. Now we simply add as we have already got the same denominator. On addition we are getting 47 by 12 centimeter is the perimeter. Now this is the simplest form. We have to convert it into the mixed fraction. Now on converting mixed fraction we simply divide 47 by 12. We have to divide it with 3 because 12 3 is a 36 but 12 4 is a 48 which excludes the which increases the number of 47 by 1 then 7 minus 6 is 1 and 11. We have remainder of 11. Now 12 is the denominator, 11 is the numerator and 3 is the whole number. So 3 whole 1 by 12 we got the answer. We got the perimeter of rectangle 3 whole 11 by 12 and 8 whole 17 by 20. Now the second portion of the question was whose perimeter is greater. Now on we have to compare with both the numbers 8 by 17 20 and it is written 3 whole 11 by 20. First of all 8 whole 17 by 20 we have to convert into the proper fraction. Okay, so 8 to the 60 plus 17 how much 177 177 by 20 and here it is 47 by 12 again we are not getting with the same denominators. LCM process 20 and 12 ka LCM kya hoga. Two to the 4, 4 to the 12, 12 5 the 60. We are getting LCM 60. From here it is 20. 5 to the 10, 10 to the 20. The number remaining is 3. We have to multiply here with 3. Okay, this number is converted in here 3. First of all, we are converting
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू द नंबर ऑफ सेम डिनोमिनेटर इंटू द फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर. ठीक है, 3721 इक्वल्स टू 2, 2 इज द हमारा क्या है यहां पर, तो हमारा कैरी बच गया 3721 प्लस 2 23, 2 हमारा कैरी बच गया 3 और 5 एंड इट इज हेयर 60. नाउ दिस नंबर 47/12, 3 4 12, वी हैव कम अप विद द नंबर 5, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 47 इंटू 5, 12 इंटू 5. ओके, 5 7 35, 3, 5 4 20, 23 अपॉन 60. Now we have come up with the result that the perimeter of rectangle is 531/60, but the perimeter of rectangle is 235/60. Then the final result is that the perimeter of the triangle is greater than the perimeter of rectangle. This was the second part. Then you know how you will approach the answer. Okay, this is the proper procedure for approaching the answer. I'm getting aside. Take the screenshot of question number 5. We will move to the question number 6. Okay. So guys, let's move to the question number 6. What is written in the question number 6? Sahil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 hole 3 by 5 cm wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 hole 3 by 10 wide. ठीक है? How much should the picture be trimmed? So similarly, यहाँ पर क्या बोला है? कि एक picture frame है, उसमें adjust करना है picture पर. Picture की wide ये है, और जो frame की length है, वो ये है. तो अगर उसको, picture को frame में fit करना है, तो हमें कितना trim करना पड़ेगा? मतलब कितना उसे cut करना पड़ेगा? तो similarly, तो पोर्शन या फिर हम कह सकते हैं पिक्चर टू बी ट्रिम, हमने क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है पिक्चर टू बी ट्रिम. कितनी ट्रिम्ड करनी है, अब हमें उसको सिंपली माइनस कर देना है. किसमें से भाई, 7 3/5 - 7 3/10. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील कन्वर्ट इन टू द मिक्स फ्रैक्शन. हाँ, हेयर वी विल गेट मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज हेयर वी आर गेटिंग सेम होल नंबर्स, वी कैन सिंपली टेक दिस आउट एंड सब्ट्रैक्ट 3/5 - 3/10. हेयर आंसर विल बी सेम. दिस इज द शॉर्टकट मेथड हाउ यू आर गेटिंग द पिक्चर सॉल्व. ठीक है, इफ इट इज नॉट विजिबल हेयर आई एम राइटिंग हेयर. ओके, 7 3/3 × 2 5 × 2 - 3/10, बिकॉज हेयर इट इज 10 एंड हेयर इट इज 5, 6/10 - 3/10 एंड वी गॉट द आंसर 7 whole 3/10. 7 whole 3/10 cm we have to trimmed it. Okay, this is your correct answer. You can solve this question in this method also, because here we are getting the same number in the whole number. 7 whole 7 यहां पर whole number में भी पूरा है और यहां पर. Okay, you can take the screenshot, then we will move to the question number 7. Okay, so guys, let's move to the question number 7. What is written in the question number 7? That Ritu ate an apple, 3/5 part of an apple, and remaining is eaten by her brother Somu. So how much part of the apple is eaten by the Somu, and who has the largest share, and by how much? This is the question. So Ritu ne jitna part kiya wo bhai hame pata hai kitna hai, 3/5. अब सोमू का हम शेयर निकाल लेंगे. भाई एप्पल तो पूरा होल था, तो उसमें से वन में से माइनस कर लेंगे 3/5. अब 1/1 सिमिलरली हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. अब 5/5 हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई करने पे 3/5, आंसर विल बी इक्वल्स टू 2/5.
टू बाय फाइव पार्ट तो भाई किसने करा? सोमू ने खाया, और थ्री बाय फाइव पार्ट किसने करा? रितु ने। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? तो ये हमारे पास आ गया, हु हैज द लार्जर शेयर। देन सिमिलरली शेयर आप कंपेरिजन इजिली दिख रहा है, रितु, रितु हैज लार्जर शेयर। ओके, और बाय हाउ मच? तो डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा हाउ मच के लिए, तो जब हम सिमिलरली डिफरेंस निकालेंगे, थ्री बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव, देन द आंसर विल बी इक्वल्स टू वन बाय फाइव। रितु हैज द लार्जेस्ट शेयर एंड बाय वन बाय फाइव। ओके, दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर सेवन, आई एम गेटिंग असाइड, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर एट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, सो गाइज लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर एट एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। वट इज रिटन इन इट? माइकल फिनिश द कलरिंग ऑफ ए पिक्चर इन 7/12 hours। ठीक है, वैभव फिनिश द कलरिंग ऑफ द सेम पिक्चर इन 3/4 hours। हु वर्क्ड लॉन्गर? बाय वट फ्रैक्शन डिड इट लॉन्गर? ठीक है, ये बोला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सिमिलरली इट इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर सेवन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें पता था कि उसने एट करा, इसी तरह से यहां माइकल ने कितने में करा भाई? 7/12 hours में। और वैभव ने कितने में करा भाई? वैभव ने करा है 3/4 hours। ओके, तो हु वर्क लॉन्गर? तो लॉन्गर के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, हमें एलसीएम लेना 12 and 4 का, तो 4 3 12 and 4 3, आंसर इज 12। तो ये तो हमारा ऑलरेडी 12 में, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 3 से, तो विच इज इक्वल्स टू 9/12 hours। नाउ वी गेट हु वर्क लॉन्गर? तो लॉन्गर किसने वर्क करा भाई? वैभव ने। तो वैभव वर्क लॉन्गर, वैभव वर्क लॉन्गर, ये हमारे पास क्या हो गया? पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। दूसरा बोला है बाय वट फ्रैक्शन इट लॉन्गर? तो भाई डिफरेंस निकालना है, सेम डिफरेंस निकालेंगे ना हम, तो 9/12 माइनस 7/12 इज इक्वल्स टू 2/16 hours। बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म हेयर। इफ यू आर लेफ्ट द आंसर इन दिस फॉर्म, यू हैव द चांसेस डेट द योर टीचर विल डिटेक्ट योर मार्क्स। सो ऑलवेज लेफ्ट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड इट इज इक्वल टू 1/6 hours। ओके, वैभव वर्क लॉन्गर बाय 1/6 hour। ओके, आई एम गेटिंग एसाइड, यू कैन टेक फर्स्ट स्क्रीनशॉट। ओके भाई, अब देखो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 हो गई कंप्लीट। तो वीडियो को प्लीज लाइक करें मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, आपको हर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे, और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसको करिए। अगर नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।